राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिना क्रोशिए के बिना सिलाइयों से ये एक छोटा सा सैंपल के तौर पे हम एक बूट बना रहे हैं, जिसे आप बड़ा या छोटा या किसी भी साइज़ का आप बना सकते हैं। हमें सिर्फ एक नीडल की ज़रूरत है और ये कटर उन काटने के लिए, और इंच टेप अपना जो भी आप किसी भी साइज़ का आप बूट बना रहे हो तो उसका जो नीचे का हिस्सा पैर का होता है उसको आप नाप लीजिए। जैसे कि हम ये पैर हमारा 7 इंच यानी कि 5 या 6 साल के बच्चे के हिसाब से हम इस बूट को बना रहे हैं। तो ये हमने इस तरीके से नाप ले लिया है कि हमारा जो तैयार होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम ये बूट बनाएंगे। तो हम डार्क शेड से बनाएंगे क्योंकि बच्चे बहुत गंदा करते हैं, तो मोटी ऊन से हम बना रहे हैं। देखिए इस तरीके की ऊन हमने ली। अगर आपके पास मोटी ऊन नहीं है तो आप कोई भी पुरानी ऊन होती है पतली वाली, इसके 2-3 लेयर लेके 4 लेयर लेके आप इस तरीके से ऊन को यूज़ कर सकते हो, यानी कि वेस्ट ऊन को आप यूज़ कर सकते हो। तो बिना क्रोशिए बिना सिलाई के हम बना रहे हैं, तो उसमें पहले जैसे हम चोटी बना कर सिलते थे तो चोटी बनाने में टाइम लगता था, तरीका थोड़ा सा हो गया, लेकिन इसमें हम चोटी नहीं बनाएंगे। इसमें इस तरीके से हम एक नोट बांध लेंगे, ये देखिए। इसको आप एक साथ भी बना सकते हैं या अलग अलग पीसेज में भी कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और ये एक ऐसे आपको अंगूठा रखना है और उंगली के नीचे ऐसे ऊन रखना है, और बस आपको इस तरीके से जो हमने नोट लगाया इसको इस तरीके से खींचते जाना है। इससे एक हमारी चेन स्टिच बन जाएगी, देखिए ऐसे किया और ये निकाल दिया ऊपर की तरफ। और आपको एक ही साइज ये खींचने का, ये नहीं कोई ज़्यादा खींच दी कोई कम, बराबर आपको खींचना है। तो आप उंगली के हिसाब से इस तरीके से देख लीजिए कि आपका होल इतना है, तो आपको थोड़ा जब बनाएंगे तो अपने आप ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बराबर बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये नोट खींचना है, इससे आपकी जो चोटी हम गूंदते हैं वो गूंदनी नहीं पड़ेगी, आपकी अपने आप ही इस तरीके से चोटी बन जाएगी। ये देखिए चेन स्टिच हमारी। तो हम ऐसे ही 7 इंच का हमारा बूट बना रहे हैं, तो हम कितनी हमें बनानी है खींच कर उस हिसाब से हम देख लेंगे। तो ऐसे हम चोटी बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 20 बार हमने इस तरीके से चेन स्टिच बना लिया है। तो हमने कोई क्रोशिया इस्तेमाल नहीं किया, उंगली से ही इसको बनाया। अब हम इंच टेप से इसको नाप लेते हैं। तो ये देखिए हम बिना खींचे इसको नाप रहे हैं, तो ये देखिए हमारा 7 इंच के करीब है। तो खींच के थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब हम इसको सिलाई करेंगे तो थोड़ा सा फिर से ही सिकुड़ जाता है। तो ये हमारा टोटल हमने 7 इंच के हिसाब से लिया है, ये देखिए बिना खींचे, और ये 20 चेन है हमारी, तो ये 7 इंच के करीब हमारा तैयार होएगा। तो हमने ऐसे ले लिया, और यहाँ पर हम मार्कर लगा सकते हैं जो लास्ट वाली स्टिच है हमारी, ये इस तरीके से। और ये देखिए कि यहाँ पर 20 है हमारी, उसके बाद फिर से हम 20 चेन इस तरीके से बना लेंगे। 1 2 देखिए अपना प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत ईजी है। ये नहीं ऐसे खींचा आपने, फिर इस तरीके से ये निकाल लिया, फिर खींचा, ये देखिए नीचे से ऐसे किया और ऐसे निकाल लिया। ऐसे आपको फिर से 20 चेन बनानी है। ये देखिए 16 17 18 19 और ये हमारी लास्ट में 20। तो ये हमने 20 चेन फिर से इस तरीके से बना लिए। तो अब यहाँ पर हमारा मार्कर, इनको इस तरीके से आपस में हमने जोड़ना है। तो ये हमारी चेन जहाँ से दिखाई दे रही है यहाँ से, ये देखिए ऐसे हमने इसको करके ऐसे सिलाई करके जोड़ना है। तो हम या तो इसी तरीके से बहुत लंबी मतलब कि एक डोरी बना लेते हैं, फिर इसको हम इस तरीके से जोड़ते जाएँ। अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है कि नहीं हमें मुश्किल है, तो मैं आपको एक बार तो ये दिखा देती हूँ, और अलग से 20 पीस चेन की जो है आप अलग से मतलब कि डोरी बनाकर भी इसको जोड़ सकते हैं। तो पहले मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। तो सुई में हम धागा पिरो लेते हैं, सेम हम इसी को ही करेंगे। तो देखिए हमने धागा इस तरीके से लगा लिया है। असल में चोटी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, किसी की मदद की ज़रूरत होती है, तो इसमें आप अकेले ही बैठ के इसको कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक नोट लगा लिया है, और इसको हम यहाँ से मार्कर, ये हमारा 20वीं चेन थी, तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे। देखिए ये जिसमें मार्कर है इसको नहीं गिनेंगे, ये हमारे 7 वाले, इसको इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से 20 और यहाँ से शुरू है। तो यहाँ से हम ऐसे अपना सुई को डालेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो धागे को ऐसे बांध लीजिए इस तरीके से, या जैसे मैंने नोट बांधी इसके अंदर से सुई को निकाल दीजिए। अगर आपको कोई और कलर लगाना है तो आप और कलर से भी इसको सिल सकते हैं, ये देखिए।
तो देखिए हमने धागा लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने जैसे मोड़ा बताया दोनों तरफ 20-20 है, तो एक एक चेन आपको लेनी है। देखिए ये मार्कर जहाँ से लगाई हमारी 20वीं थी, यहाँ से हमने सुई डाली ली है। फिर इसके साथ वाली चेन, ये देखिए चेन स्टिच है हमारी, इसके साथ वाली चेन में से ऐसे हमने ले लेना है किनारे से। इसको इस तरीके से आप पकड़ेंगे तो बहुत ही, ये देखिए अलग से नज़र आ रहा होगा आपको, एक चेन यहाँ से एक चेन यहाँ से, इस तरीके से आपको बस सिलना है। तो ये बहुत मोटी ऊन है और अच्छी गर्म ऊन है, तो पैरों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ज़्यादा ठंड में आप इसको पहना सकते हो, बच्चे चप्पल ना भी पहने पहन के घूमते रहें घर में। ये देखिए इस तरीके से एक चेन ये और एक चेन ये, इस तरीके से किनारे की देखिए चोटी होती है, जैसे एक ये किनारे की हमने लेनी है, इसको छोड़ देना। इससे भी हमारी जो चौड़ाई बढ़ जाएगी, ये देखिए आराम से, बहुत टाइट हाथों से नहीं, आराम से आपको इस तरीके से पूरा नीचे तक सिलना। एक इधर से उठाई, जैसे सॉरी ये ऊपर की भूल गई थी मैं, ऐसे आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है, एक इधर से पास पास ऐसे किया और ऐसे फिर हम इधर आ गए। फिर ये देखिए इससे नीचे वाली चेन ली, फिर इसके नीचे वाली ली, ऐसे हमने कोई मिस नहीं करनी, ऐसे बराबर हम सिलेंगे तो हमारा कुछ गलत नहीं होगा और इस तरीके से हमारा सिलता चला जाएगा, और ऐसे हमारी हर एक चोटी साथ साथ में जुड़ते हुए चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो देखिए हम सिलते हुए नीचे तक आ गए हैं, तो हमने कोई मिस नहीं करी, देखिए अब इसमें नहीं है, उससे अगली चेन में हमने ऐसे लिया, ऐसे ही हम सिलते हुए नीचे आ रहे हैं। ये देखिए ये लिया और इसे अगली, तो जिसमें से हमारा धागा निकल जाता है उसे नहीं लेना। ये देखिए लास्ट में आ गए हम, एक एक चेन हमारी लास्ट में रह गई है, ये देखिए ये लास्ट की, और ये हमने इस तरीके से सिल लिया। तो यहाँ से सुई को हम छोड़ देंगे, ऐसे निकाल दिया हमने धागा। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से कितनी अच्छे से सिलाई हो गई है। ऐसे ही हमने पास पास में चोटियों को सिलते जाना है। जैसे अपने यहाँ पर चोटी बना के छोड़ दी थी, तो यहीं से आप फिर से शुरू कर सकते हो। जैसे यहाँ पर फिर से आप मार्कर लगा लीजिए, यहाँ से हमने ये निकाल दिया और इसको हम चाहे तो यहाँ पर दूसरा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके से ये देखिए यहाँ तक बनाया था, तो यहाँ पर हमने मार्कर लगा दिया। यहाँ से फिर से हम 20 स्टिच अपना जो हम ले रहे हैं हाथ से ये ऐसे ले लेंगे। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आपको मुश्किल लगता है तो बुनाई सीखनी पड़ेगी, क्रोशिया सीखना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे हमने ये ऐसे किया, तो आराम से आप कर सकते हो। देखिए ऐसे फिर से 20 स्टिच हम बना लेंगे और इसको इस तरीके से मोड़ कर यहीं से, ये देखिए यहाँ से इस ये जो मार्कर है इसके अंदर से और इसकी साथ वाली चेन, इस तरीके से सिलते हुए हम इसको जोड़ देंगे, तो ऐसे हमारी जो चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो हम इसी तरीके से बनाकर जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से जोड़ लिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हमने ये डोरी लगाकर इस तरीके से जोड़ लिया है। तो चौड़ाई देख लेते हैं हम, खींच कर देखिए, बहुत खुला होता है तो बच्चे का पैर तो बहुत भारी नहीं होता, ऐसे हमें फोल्ड करके देखना है। ये देखिए 3 इंच के करीब है, बड़ों के लिए 4 इंच के करीब बहुत रहेगा क्योंकि बहुत खुलता है। तो ऐसे बनाकर हमने तैयार कर लेना है। अब मैं दोनों तरफ वाइट लगाऊंगी, तो वो मैं अलग से कैसे जो मैं कह रही थी कि भी अलग से आप बना के लगा सकते हो, उसी तरीके से हम लगाएंगे। तो आप सारी मतलब कि डोरी उस तरीके से भी आप लगा सकते हो। तो ये वाइट धागे से हम इस तरीके से 20 चेन की अलग से बना के कट कर लेंगे। दो हमने डोरियाँ बनाकर तैयार करनी है, तो सेम तरीका इसको भी हमने इसी तरीके से ऐसे करना है। और ये देखिए क्योंकि ऊन हम बराबर ले रहे हैं एक ही साइज़ की, तो हमारी ये स्टिच इस तरीके से देखिए ऐसे हमने फिर से 20 स्टिच ले लेनी है। दो डोरी हम बनाएंगे, तो देखिए दो इस तरीके की डोरी हमने बना ली है। तो आप ऐसे जैसे अभी हमारी इसमें लगी है डोरियाँ, उतनी डोरियाँ आप ऐसे बनाकर अलग अलग भी इस तरीके से जोड़ जोड़ कर बना सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से घुमाकर नहीं बनाना तो। इसलिए अब ये देखिए हमने सिर्फ किनारे पे, दोनों किनारे पे एक एक लगानी है, इसलिए हमने दो अलग अलग है। तो इसको हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे जैसे कि हम अभी कर रहे थे। तो यहाँ पर हम इसको वाइट धागे से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक इस तरीके से धागा लगा लेते हैं अपना, और यहाँ से अपनी डोरी लगाना शुरू करेंगे। तो ये शुरू की, ये देखिए शुरू की चेन में से ऐसे डाला और यहाँ की शुरू की चेन,
बस जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाना। ये हमारा एक तरह का बॉर्डर हो जाएगा। आप एक इस तरीके एक इस रंग की भी चेन अलग अलग लगा के, डोरी लगा कर भी आप इसको बना सकते हैं। वो आपके ऊपर आप कैसे डिज़ाइन बनाएंगे देखिए, क्योंकि यहाँ पर वाइट आई इसलिए हमने वाइट, अब ये सेकेंड वाली चेन में लिया और यहाँ की सेकेंड वाली में, जैसे पहले सिला था हमने सेम इसी तरीके से अब हम इसको भी सिल लेंगे। और ऐसे हम सात वाली दोनों तरफ किनारियों पर हम इसी तरीके से सिलकर तैयार कर लेते हैं। देखिए तो ये देखिए हमने दोनों तरफ इस तरीके से लगा दी। ये हमारी उल्टी साइड है तो ये हमारी सीधी साइड है। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको जितने भी धागे हम इनको दबाकर सुई से ऐसे सिल देंगे। और इधर हम ये हमारी बैक साइड है तो पहले हम इसको सिल लेते हैं। तो इस तरीके से बराबर रख कर ऐसे हम जैसे स्वेटर सिलते हैं सेम इसी तरीके से हमने सिलना है। तो धागों को इस तरीके से दबाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से सिल दिया। अब हमारी ये साइड है, इसको हमने कैसे सिलना है ये देखिए। यहाँ से सुई ऐसे हमने डालनी है और इस तरीके से हमने कच्चा करना है। ये देखिए इस तरीके से कच्चा करते हुए पास पास में किनारे पर पहुंच जाना है। ये देखिए यहाँ पर और ये हमने उल्टी साइड से करना है इस तरीके से। ये उल्टी साइड है, सारे धागे हमारे उल्टी तरफ आने चाहिए। और ऐसे खींच कर ये देखिए खींच कर अच्छे से ये देखिए ऐसे हमने बंद कर लेना है। तो एक बार और हम इसे कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा बिना सिलाई बिना क्रोशिए के तो थोड़े से ये फिनिशिंग में दिक्कत हो जाती है। ऐसे खींच लेना हमने, तो ये हमारे उल्टी तरफ आने चाहिए और सीधी तरफ हमारा इस तरीके से आना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से पहले पक्का कर लेते हैं, फिर वाइट धागा हम डालेंगे सुई में। तो ऐसे सिल लेते हैं इसको, फिर से ऐसे रिपीट कर लेते हैं धागे को कच्चे की तरह, और अच्छे से इसको टोपी की तरह हमने बंद करना है। तो देखिए हमने ऐसे उल्टी तरफ से बंद कर दिया, ये हमारा सीधी साइड ऐसे आ गया है। ये हमारे सीधी साइड से इस तरीके से यहाँ से बंद किया हमने यहाँ पर, और ये जितने भी धागे हैं अंदर की तरफ करके अब हम वाइट धागे से यहाँ से किनारे पर धागा लगाएंगे और फिनिशिंग देते हुए इसको भी हम इस तरीके से नोट बांध लेंगे। बड़ा सा हम अभी ऐसे कर लेते हैं जिससे कि हमारा अंदर की तरफ रहे। और ये देखिए इस तरीके से जो भी धागा है हम उसको इस तरीके से अंदर की तरफ कर देंगे उल्टी साइड में। और यहाँ से फिर से सिलना शुरू करेंगे। ये देखिए इसको अंदर रखेंगे धागे को, यहाँ की एक चेन और यहाँ की जैसे हमने पहले सिला है इनको आपस में वाइट वाइट को हम मिला देंगे। ये देखिए तो इस तरीके से हमने सिलना है, इतना छोड़ देना है कि जितना बच्चे का पैर जो है उसमें आराम से आ जाए। तो ये हम ऊपर से इस तरीके से ये देखिए ऐसे सिलते हुए आएंगे। तो हम यहाँ पर काफ़ी होता है 3 इंच के करीब रख लेंगे, तो यहाँ तक हम या जैसे हाफ कर लीजिए तो हाफ तक हम सिल लेंगे। तो ये देखिए हमारा बोर्ड बन के तैयार हो गया, 4-5 साल तक के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। जिसका जैसे कि हमने इंच टेप से नापा है, जिसका भी पैर 7 इंच के करीब लंबा है 6 या 7, उसको ये आराम से आ जाएगा। तो ये हमने बिना सिलाई बुनाई और क्रोशी के बनाया है। तो देखा आपने बिना चोटी बनाई हमने इसको बनाया है। बनाना बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से बैठे बैठे चोटियां बनाकर रख लीजिए और बाद में एक साथ सिल सके इसको जल्दी से आप बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।